तो आज बनने जा रही है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ताकतवर रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे सूजी की स्पेशल खीर। इसमें हम जो अज्जाए शामिल करेंगे इससे आपके बच्चों की कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाएगी और साथ में आपके बच्चे हेल्दी भी हो जाएंगे। आप 6 माह से ज्यादा उम्र के बच्चों को इसे आराम से खिला सकती हैं। बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी, तो चलिए जल्दी जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम शामिल करेंगे 2 चम्मच देसी घी, आप चाहे तो आम ऑयल भी शामिल कर सकती हैं। घी हमारा जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी, 1 कप सूजी को अब हम अच्छे से घी में भून लेंगे। सूजी छोटे बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, इसमें फाइबर होता है जिससे बच्चों का पेट ठीक रहता है और साथ में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बच्चे इसे आराम से खा लेते हैं। चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। आप इस रेसिपी को 1 बार बनाकर फ्रिज में 3 दिन तक रख सकती हैं और बच्चों को रोज 1 से 2 मरतबा खिला सकती हैं। खासकर वो बच्चे जो सुबह नाश्ता नहीं करते वो भी ये आराम से खा लेंगे। ये देखिए सूजी हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई है, अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 2 कप दूध। कुछ बच्चों का पेट दूध पीने से खराब हो जाता है, अगर आप दूध सूजी में डालकर खिलाएंगी तो बच्चों का पेट कभी भी खराब नहीं होगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पर मैं शामिल करूंगी 1/2 कप गुड़, आप चाहे तो चीनी भी शामिल कर सकती हैं। एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच शहद। गुड़ और शहद डालने से आपके बच्चों की कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाएगी और साथ ही में नजला जुकाम की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हम शामिल करेंगे 2 से 3 अदद इलायची, क्योंकि ये भी बच्चों के पेट के लिए बहुत मुफीद होती है। देखिए सूजी की खीर बनना शुरू हो गई है। अगर आपका बच्चा ज्यादा छोटा है तो हम दूध को ज्यादा नहीं सुखाएंगे और खीर को नरम रहने देंगे। तो सूजी की खीर हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर बच्चों की पसंद का ड्राई फ्रूट भी डाल सकती हैं।
मैं यहाँ पर लूंगी थोड़ा सा पिस्ता और बादाम और इसे अच्छे से कूट लूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी सूजी की खीर तैयार है। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।